आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ वेज ब्रेड कटलेट की रेसिपी। कटलेट को बनाने का मैंने बहुत ही ज्यादा आसान तरीका बताया है। ये जो ब्रेड कटलेट है ये बहुत ज्यादा अच्छे बनते हैं और खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं, और इन्हें मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट देके बनाया है। तो जानने के लिए इन्हें मैंने कैसे बनाया वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए हम रेसिपी को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले एक बाउल लीजिए, इस पे अब मैं एक बारीक कटी हुई प्याज डाल रही हूँ। मैं इस पे दो हरी मिर्ची डाल रही हूँ, मिर्ची को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था। इस पे मैं बारीक कटा हुआ गाजर डाल रही हूँ। आप इसमें अपनी पसंद की जो चाहे वो सब्जी डाल सकते हैं। एक बारीक कटा हुआ मैंने इसमें टमाटर लिया है, और इस पे अब मैं बारीक कटी हुई धनिया डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 6 मीडियम साइज उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को मैं इस तरीके से अच्छे से मैश कर लूंगी। एक टिप हमेशा याद रखिएगा, जो आपका आलू है वो बहुत ज्यादा पका नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे बहुत ज्यादा पका देंगे तो आपका जो मिक्सचर है वो बहुत ज्यादा गीला हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें नमक डाल दीजिए। एक छोटी चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालिए। एक छोटी चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर लिया है। आधी चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर मिला रही हूँ, और आधी चम्मच मैं इसमें जीरा पाउडर मिला रही हूँ। आधा कप मैं इसमें मूंगफली डाल रही हूँ। मैंने मूंगफली के अच्छे से छिलके हटा के इसको बारीक बारीक कूट लिया था। अब मैं इसमें ब्रेड मिला रही हूँ। मैंने थोड़े से छोटे साइज के ब्रेड लिए हैं। ब्रेड को पहले मैं अच्छे से पानी में डिप कर रही हूँ। आप इसमें किसी भी साइज के ब्रेड मिला सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ब्रेड को इस तरीके से अच्छे से स्क्वीज कर लीजिए। सारी ब्रेड्स को अच्छे से स्क्वीज करके ही डालिएगा, वरना जो आपका मिक्सचर है वो बहुत ज्यादा गीला हो जाएगा। अब मैं ब्रेड को इस तरीके से तोड़ तोड़ के इसमें मिला दे रही हूँ। मैंने 6 आलू लिए थे तो मैं 6 मीडियम साइज ब्रेड भी ले रही हूँ। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर इसमें थोड़े बहुत आलू के पीसेस भी रह जाते हैं तो इस तरीके से इसको मसल लीजिएगा, वरना बाद में आपको शेप देने में प्रॉब्लम होगी। तो ये देखिए, हमारा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है। अब थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लीजिए ताकि जो मिक्सचर है वो आपके हाथों में चिपके नहीं। अब आपको जितने साइज का कटलेट चाहिए उतना मिक्सचर उठा लीजिए। अब इसे इस तरीके से थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिए। इसके बीचों बीच अब मैं चीज लगा रही हूँ। अगर आपके पास चीज नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से चीज को बीच में दबा दीजिए। चीज को बिल्कुल अच्छे से बीच में दबा दीजिएगा, वरना चीज फ्राई करते टाइम बाहर निकलने लगेगा। इसमें आपको ब्रेड क्रम्स भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसे ऐसे ही फ्राई करके खा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। ये देखिए, अब कटलेट अच्छे से रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसमें ब्रेड क्रम्स की जगह दूसरी चीज भी लगा सकते हैं। ये मैंने आधा कप पानी लिया है। इस पे अब मैं 2 चम्मच मैदा मिला रही हूँ। मैदे और पानी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये देखिए, हमारा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है। अब जिस तरीके से हमने कटलेट बनाया था उसी तरीके से मैं कटलेट बना दूंगी। जहाँ पे शेप आपको थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा हो वहाँ पे आप मिक्सर उठा के लगा भी सकते हैं। मिक्सर अगर हाथ में चिपक रहा हो तो आप थोड़ा सा और ऑयल लगा सकते हैं। ये देखिए, अब कटलेट अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अब मैं कटलेट को मिक्सर में डिप कर रही हूँ। इसको अच्छे से इसमें डिप कर लीजिए। अब मैंने ये आलू भुजिया लिया है। मैं कटलेट को अच्छे से आलू भुजिया में कोट कर लूंगी। अगर आपके पास घर पे ब्रेड क्रम्स नहीं हो तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। और ये देखिए, हमारे दोनों कटलेट अच्छे से रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से सारे कटलेट रेडी कर लीजिए। अब मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूंगी। अभी मैंने गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई पे रखा हुआ है। कटलेट को पर आपको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। और ये देखिए, एक साइड ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको आराम से पलट दूंगी। कटलेट को दोनों साइड जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। इसको मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से फ्राई कीजिएगा। दूसरी साइड भी इसको अच्छे से फ्राई होने दीजिए। और ये देखिए, हमारा कटलेट अच्छे से रेडी हो चुका है। आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपके लिए लाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।